मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्राइसेस के पार्ट टू, लास्ट जो पार्ट था, लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स, दो मेट्राइसेस कैसे मल्टीप्लाई होंगे वो सिखाया। अब हमें मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये एनसीईआरटी में भी है। और पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ये गिवन है। और हमसे बोला है कि प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो दिया है, क्या दिया है, वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसके बेसिस पे हम एफ ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। व्हाट इज एफ ऑफ वाई, तो देखो एफ ऑफ वाई विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉस वाई माइनस साइन वाई, साइन वाई कॉस वाई। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आपको, इसी के बेसिस पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। कुछ भी नहीं किया हमने, एक्स की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पर एक्स की जगह हमने एक्स प्लस वाई लिखा है, यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिख दिया था, वाई लिख दिया था। तो ये हो गया आपके पास साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और बड़ा आसान सा तरीका है, आप देखते जाएं, करते जाएं, मेरे साथ साथ में भी कर सकते हैं और आप एक बार समझने के बाद खुद भी कर सकते हैं। हम लगभग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक भी छोड़ते नहीं है। अब ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या होगा, तो यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लें आप पहले, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अब तो बाएं हाथ का खेल है आपके लिए, कॉस वाई माइनस साइन वाई, साइन वाई कॉस वाई। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, ये वाली रो जाएगी इस कॉलम के ऊपर, फिर जाएगी इसके ऊपर। तो देखना क्या आने वाला है आपके पास, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर इसके बाद ये कॉस एक्स वाली इस पे मल्टीप्लाई होगी, तो हम ऐसा लिखें इसको, माइनस कॉस एक्स इंटू दिस माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब इसके बाद सेकेंड वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, और फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम से। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स इंटू दिस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई। तो ये आपने देखा कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ बहुत कुछ तो आपको दिख ही गया होगा कि अब क्या होने वाला है, तो ऐसा कोई इसमें मिरेकुलस काम है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या होने वाला है। फिर भी मैं फॉर्मली लिख देता हूँ, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, एक फार्मूला बन गया है कॉस ए प्लस बी का। लेकिन हम एक साथ सारे फार्मूले लगा देंगे, इसके लिए हम उनको उस फॉर्म में लाते हैं कि फार्मूले लग जाएं। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस कॉमन ले लिया। पहले सबसे पहले इसको लिख दो, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। अब नीचे देखिए आप, नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और यहां देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी इज
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है वो भी लिख लें आप। कॉस ए प्लस बी का है आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला और ये वाला जो है इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसमें ये लगेगा और इसमें ये लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई सॉरी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये बन गया आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज सेम एज वॉट, दिस इज सेम एज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, यही है ना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको चाहो तो आप नंबर भी दे दो फ्रॉम वन फ्रॉम वन, हैंस इट इज प्रूव्ड। और इस तरीके से ये हमने प्रूव कर दिया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं जो मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड पूछे जाते हैं, वो भी आप देखिए क्वेश्चन नंबर टू। देखो इफ ए इज इक्वल टू 2134 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव देन फाइंड। तो अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है, देन फाइंड एफ ऑफ ए, देन फाइंड एफ ऑफ ए, ऐसे क्वेश्चंस। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एफ ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह ए डाल देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स बन गया, ए डालने से ये भी एक मैट्रिक्स बन गया। पर यहाँ पर ये जो फाइव है ये एक मैट्रिक्स नहीं है, और आप याद रखो कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 3 कुछ भी है, प्लस अगर इसमें मैं जो सोचूंगा कि 6 ऐड कर दूं तो 6 ऐड नहीं हो सकता, ऐसे कोई नंबर ऐड नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं इससे 6 से सबको, लेकिन 6 ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो इसको लिखने का तरीका है, ये रिवाज है ये, कि ये 5 जो रहेगा जो कांस्टेंट रहेगा उसके साथ में आई एसोसिएट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या है आपका, ए स्क्वायर होगा 21, अब तो आपको समझ आ गया होगा 2134 माइनस सिक्स टाइम्स 2134 और 5 इंटू आई, आई का वैल्यू हो गया 1001। तो इसे कैलकुलेट कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4 प्लस 3 7 2 1 जा 2 प्लस 4 6 3 2 जा 6 4 3 जा 12 22 3 1 जा 3 4 4 जा 16 19 माइनस 6 मल्टीप्लाई कर दें 6 2 जा 12 6 18 24 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 0 0 5। अब आप देखो कि क्या होने वाला, ऊपर ऊपर होगा 7 माइनस 12 प्लस 5 6 माइनस 6 प्लस 0 22 माइनस 18 प्लस 0 19 माइनस 24 प्लस 5। अब आप कैलकुलेट करो ये सब किसके इक्वल आ गए, सब 0 0 0। तो ये आ गया ओ, ओ मींस एफ ऑफ ए इज व्हाट, एफ ऑफ ए इज ओ। अब ये एफ ऑफ ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता था, कोइंसिडेंटली फॉर्चुनेटली इस केस में कितना आया है, ओ आया है। तो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर थ्री कैसा पूछ सकते हैं आपसे, तो क्वेश्चन नंबर थ्री मैं आपको बताता हूं कि थ्री इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ए की वैल्यू कुछ दे दी है आपको, दे दी है 2 1 1 3 दे दी, और आपसे पूछा कि एंड, और एक कंडीशन दे दी आपको ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए प्लस म्यू आई इज इक्वल टू ओ, देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू, और आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना है।
देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दिया है, तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, वी आर गिवन ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए प्लस म्यू आई इज इक्वल टू ओ, ओ नल मैट्रिक्स, देयरफॉर दिस इज ओ नॉट जीरो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2 1 1 3 2 1 1 3 माइनस लैम्डा टाइम्स 2 1 1 3 प्लस म्यू टाइम्स आई 1 0 0 1 इज इक्वल टू ओ, ओ मीन्स 0 0 अकॉर्डिंगली। अगर ये 2 by 2 का है तो ओ का भी ऑर्डर 2 by 2 का हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 4 प्लस 1 1 1 5 2 into 1 plus 3 into 1 5 1 into 2 2 प्लस 3 into 5 1 into 1 plus 3 3 9 10 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कर दें, 2 lambda 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 3 lambda म्यू मल्टीप्लाई कर दें, म्यू 0 0 म्यू इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब इसमें कंपेयर कर लें, 5 minus 2 lambda plus mu इज इक्वल टू 0 पहली कंडीशन। दूसरी देखें आप, 5 minus lambda इज इक्वल टू, देखो 5 minus lambda, अच्छा डायरेक्ट लिख दिया क्या, नहीं अगर डायरेक्ट लिखना तो पहले ऐसे कर लें, पहले सिंप्लीफाई कर लें, 5 minus 2 lambda plus mu 5 minus lambda 5 minus lambda और 5 माइनस लैम्डा प्लस 0। इधर देखिए 10 minus 3 lambda 10 minus 3 lambda प्लस म्यू इज इक्वल टू कितना है 0 0 0 0। अब देखिए, अब आपके पास क्या कंडीशन आ गई, सारी मैं इक्वेशंस यहां लिख देता हूं तो आपको क्या कॉन्फिडेंस बना रहेगा, 5 minus 2 lambda plus mu इज इक्वल टू 0 नंबर 1। तो सर नंबर 2, 5 minus lambda इज इक्वल टू 0 नंबर 2। अब वो नंबर 2 और नंबर 3 सेम है तो एक ही लिख दी मैंने। अब तीसरी केस, 10 minus 3 lambda plus mu इज इक्वल टू 0 नंबर 3। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई इस इक्वेशन से, लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों वैल्यू उसमें रख देता हूं मैं, पुटिंग इन 1 and 3। 1 में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और 3 में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 5 minus 2 into 2 plus mu इज इक्वल टू 0। तो ये इससे म्यू की वैल्यू आई 5 minus 4 1, उधर गया तो -1। अब इधर देखो 10 minus, इसमें 3 में भी रख देते हैं तो 3 into 2 plus mu इज इक्वल टू 0। तो ये म्यू की वैल्यू कितनी आई इस केस में, 10 minus 6, सॉरी ये वैल्यू लैम्डा की हमारे पास है, सॉरी 5 है लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे रखेंगे तो 5 आएगा। तो 5 minus 10 5 minus 10 is minus 5, उधर गया तो +5। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखी है 5, तो ये हो जाएगा 10 minus 15 -5, उधर गया तो +5। तो हमारे पास आंसर आया लैम्डा इज इक्वल टू 5, म्यू इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि लैम्डा और म्यू कैसे हमने फाइंड किए। अब इसी कनेक्शन में 2015 में एक क्वेश्चन आया, वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बिल्कुल आसान है पर थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कैसा है आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा वो आएगा फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 067 -608 7 -8 0 2015 में आया है, CBSE 2015। बी की वैल्यू दी है आपको 011 102 120। सी की वैल्यू है
टू माइनस टू थ्री, और आपको फाइंड करना है, देन फाइंड एसी बीसी एंड ए प्लस बीसी, और प्रूव करना है, ऑल्सो वेरीफाई ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये आपको वेरीफाई करना है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन हमें 2015 में आया। तो आप ए सी बी सी कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ डायरेक्ट, थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करता हूँ, पर आप थोड़ा केयरफुली करना। ए सी ए से सी को, तो ये पहली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा आपका 067, तो 0 इंटू 20, 6 टू जा 12, 7 थ्री जा 21, तो 21 में से 12 गए तो 9, ये आ गया पहला एलिमेंट। अब वो इसके नीचे लिखना है आपको, क्योंकि पहली रो का काम खत्म, अब दूसरी रो का, तो माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, 0 इंटू माइनस 2 0, और 8 थ्री जा 24, तो 24 में से 12 गया तो 12। अब इसका देख लो, तो इसका देखो तो 7 टू जा 14, 8 टू जा 16, 14 और 16 जुड़ गए तो आपके हो गए 28। अब ये 14 और 16, ठीक है, एग्जैक्टली 7 टू जा 14 और 8 टू जा 16, 14 और 16 30 हो गए। अब देखिए बीसी निकालना है आपको, तो बीसी कैसे निकालेंगे आप, बीसी के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, 1 0 2 को करेंगे, 1 इंटू 2 ये 0 हो गया, और 2 3 जा 6 तो 8 हो गया, 1 2 0 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 4 0, तो ये आ जाएगा माइनस 2, ये बीसी आ गया। अब आपको अगला क्या निकालना है, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी। अब ए प्लस बी सी कैसे निकालेंगे, तो पहले ए प्लस बी ऐड कर दें, ए और बी ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 0 7 8 माइनस 5 0 10 8 माइनस 6 0, और इंटू सी, सी कर दें इसमें इंटू 2 माइनस 2 3। अब देखिए आउटकम, 0 इंटू दिस, 7 इंटू 2 माइनस 14, माइनस 14 प्लस 8 थ्री जा 24 प्लस 10, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, दिस इंटू दिस 0, 10 थ्री जा 30, 30 माइनस 10 20, 8 टू जा 16, 6 टू जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस 12, 16 प्लस 12 हो जाएगा आपका 28, और 0 इंटू 3 0। अब आप इसको ए सी प्लस बी सी इधर से कैलकुलेट कर लें, ए सी प्लस बी सी, 9 प्लस 1 10, 12 प्लस 8 20, 30 माइनस 2 28, नंबरिंग कर दें, ये 1 उसको दे दें, इसको 2 दे दें, फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास आ गया ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। वैसे तो ये प्रॉपर्टी मालूम है आपको कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट लिख नहीं सकते, आपको इसमें इसके थ्रू ही बताना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो 2015 में आया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन 2020 में आया जो इस साल अभी एग्ज़ाम हुआ, मार्च 17 को एग्ज़ाम हुआ। इससे पहले इसी टाइप का क्वेश्चन 2016 में आया था, तो वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, और आप खुद ट्राई करना इसमें। इफ़ इसी टाइप का, इफ़ ए इज इक्वल टू, थोड़ा कॉम लेंदी है 102, पर आपके लिए मुश्किल नहीं है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मच आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप बहुत ध्यान रखिए, आप आराम से कर लेंगे
और बिल्कुल सिंपल है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपके सामने ज्यादा खींचूंगा नहीं। एंड ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस के इंटू आई थ्री। आई थ्री आपको क्लियर है, आई थ्री मतलब थर्ड ऑर्डर का थ्री बाई थ्री का यूनिट मैट्रिक्स, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये गिवन है आपको, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो ए क्यूब निकालना, ए स्क्वायर निकालना, ए निकालना, इसमें आई की वैल्यू रखना और इज इक्वल टू किससे इक्वेट करोगे, ओ से। ओ मीन्स वॉट, जीरो जीरो इससे इक्वेट कर देना, देन फाइंड के। तो हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप के निकालेंगे, तो आंसर है इसका के इज इक्वल टू, के इज इक्वल टू टू है, इसका आंसर है के इज इक्वल टू टू। तो किसका आंसर के इक्वल टू टू है, तो ये आप निकालना और सेल्फ ट्राई करना और चेक करना, फिर बताना कि ये आंसर जो मैंने कहा है वो सही है कि गलत है। ठीक है, हो सकता है के इक्वल टू माइनस टू है, क्योंकि आंसर मेरे पास लिखा नहीं है, क्वेश्चन 2016 में भी आया है और एंड सिमिलर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2020, बस उसमें के की जगह कोई वैल्यू दी है और कहा है कि कैलकुलेट दिस, तो इस तरीके का था। सॉरी, के की जगह मान लीजिए टू दिया है और दिया है कि प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू ओ, तो ओ प्रूव करना है अपने को। फिर उसमें एक चीज और पूछी है, वो मैं आपको जो इनवर्स से रिलेटेड है, तो वो मैं आपको इनवर्स वाले वीडियो में बताऊंगा कि वो एडिशनली क्या चीज पूछी थी उन्होंने। तो ये हमने क्वेश्चन देखा आपका, क्वेश्चन नंबर 5, ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो एंड यू नीड नॉट टू वरी, आप चिंता मत करना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम और मैं आपको हमेशा एंटरटेन करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत मन से इसको करना। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका पड़ेगा 6 क्वेश्चन, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0, ये 10 है, टी एन 10, और आपको प्रूव करना है i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपको प्रूव करना है। तो आपके पास क्या दिया है, a का वैल्यू गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, राइट साइड में ज्यादा कुछ लिखा है तो राइट साइड से, राइट साइड में i की वैल्यू रख दी 1001, a का वैल्यू रख दिया 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉस अल्फा की जगह आइडेंटिटी लगा दें आप 1 माइनस हाफ एंगल वाली 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा की जगह ये आइडेंटिटी हाफ एंगल की, ये आप याद रखना 10 वाली आइडेंटिटी, तो इससे आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइडेंटिटीज का ही आपको मालूम है सारा खेल किसका है, आइडेंटिटीज का ही खेल है। ये आइडेंटिटीज लगा दी, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 टेन अल्फा बाय 2, ये आएगा आपके पास माइनस टेन अल्फा बाय 2 और 1 माइनस 0 1, और ये पूरा जो नंबर है आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 टेन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। बहुत टॉप क्लास प्रॉब्लम है ये और अपने आप में बहुत फेमस है, टीचर्स इसको बहुत पसंद करते हैं, आपके स्कूल में भी आपको ये जरूर से कराएंगे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इसमें थोड़ी गलतियां भी अच्छी करते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू दिस और 10 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, ध्यान से देखना है दोस्तों,
1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस, अब टेन अल्फा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और होल अपॉन में सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। दूसरा देखो 1 इंटू दिस तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 टेन अल्फा बाय 2 और टेन अल्फा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका टेन अल्फा बाय 2 माइनस टेन क्यूब अल्फा बाय 2 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 1 प्लस सेम। नीचे देखो अब माइनस टेन अल्फा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन क्यूब अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 सॉरी भाई इसमें एक टर्म माइनस टेन क्यूब टेन अल्फा बाय 2 इससे हुआ 1 इससे होगा तो एक टर्म और आएगी प्लस 2 टेन अल्फा बाय 2। और अब आखिरी की चीज है 1 ये माइनस टेन अल्फा बाय 2 इससे होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 इससे होगा तो प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो अब एक काम करते हैं, अब ऐसा भी करें आप सब में से 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉमन ले लें तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करने में। 1 ये 2 टेन स्क्वायर में से गया तो ये जाएगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसमें से देखो आप माइनस 2 टेन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 माइनस तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं टेन अल्फा बाय 2 कॉमन ले लिया। जब हमने टेन अल्फा बाय 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा यहां से लिख देता हूं मैं क्योंकि दिखेगा नहीं, नहीं तो आपको देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉमन और ये इनको सॉल्व किया ये माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसमें से देखें इसमें से टेन अल्फा बाय 2 कॉमन ले लें, टेन अल्फा बाय 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 और माइनस 1 माइनस टेन क्यूब अल्फा बाय 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 तो माइनस भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। नीचे देखो आप इसमें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका इसमें से कॉमन आ रहा है टेन अल्फा बाय 2 क्या बचेगा आपके पास बचेगा माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा प्लस 1 और इसमें से टेन अल्फा बाय 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। और इसको देखो आप ये आपके पास क्या है 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 में से टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है सब में से कॉमन आ रहा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और डिनोमिनेटर में भी है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा देखिए जो मैट्रिक्स किसका बचेगा आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 यहां बचेगा माइनस टेन अल्फा बाय 2 नीचे बचेगा 1 टेन अल्फा बाय 2 और यहां बचेगा 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं हम 1001 प्लस 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 1 यानी आई प्लस ए ये आ गया आपका LHS और इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। और इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेष है आपको चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने डाउट्स मुझे लिख भेजें कमेंट बॉक्स में। विश यू ऑल द बेस्ट।